इसमें ऐसा है कि तीन तीन दिन तक भी चलने के लिए तैयार होते थे। यहाँ से हैदराबाद जाने के लिए 3 दिन में जाके पहुँचते थे हैदराबाद। बहरहाल मुख्तसर यह है कि ये घोड़ा गाड़ी का सिस्टम ये अंग्रेज़ के दौर से है, बरतानिया के दौर से है, वो बहुत पुराना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नियाज है, मैं तकरीबन 7 बरस से यहाँ हूँ। मामला ये है कि पहले अंग्रेज़ के दौर में तो ट्रांसपोर्ट वो ही नहीं करती थी, बहुत कम थी, ब्राय नाम थी। एक ट्रेन यहाँ पे आया करती थी, वो ट्राम चला करती थी, तो इसमें हम बैठ कर जाया करते थे, 10 पैसे दे के सदर जाया करते थे। बहरहाल मुख्तसर यह है कि ये घोड़ा गाड़ी का सिस्टम ये अंग्रेज़ के दौर से है, बरतानिया के दौर से है, वो बहुत पुराना है और सदियों पुराना। अभी ये मज़ीद आने वाले दिनों में और अप हो जाएगा, चूँकि फ्यूल का वो पड़ रहा है, बुरान आने वाला है। इसमें ऐसा है कि मुख्तलफ रूट्स पे चलती थी, वो अलग थी, और जो सवारी के लिए बुक करके ले जाते थे, यहाँ से खड़ी गाड़ियों को ले जाते थे, उनके भी मुख्तलफ पैसे जैसा तो सेटिंग हो जाती थी तो दे देते थे। माजी के लोगों में भी ऐसा टैलेंट था कि वो जानवर को समझते थे, जानवर को पालने का तरीका आता था, और आजकल के नौजवान जो है वो इकृत करते हैं इस चीज़ से, वो नहीं कर, तो वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है, इतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं, इतना वो नहीं करते हैं। इसमें ऐसा है कि 3-3 दिन तक भी चलने के लिए तैयार होते थे, यहाँ से हैदराबाद जाने के लिए 3 दिन में जाके पहुँचते थे हैदराबाद। तफरी वाले जो हैं वो टाइम बाई टाइम ऐसा करके, और अब जो है सिचुएशन यूँ है कि ट्रैफिक ही इतनी है कि वो गाड़ियाँ चलना दुश्वार हो रहा है, थोड़ा तंग हो रहा है। लगता है ऐसा है कि आने वाले दिनों में रोड खाली होंगे और ये दोबारा अब ये इनकी इतनी डिमांड हो जाएगी। इस टाइम पे भी, इस वक्त मौजूदा दौर में भी 3 लाख 3.5 लाख का घोड़ा बिक रहा है, यानी 1 लाख मरियल से मरियल होगा तो 1.5 लाख 2 लाख का होगा। वो ऐसा है कि टांगा तो ज़माने से काफ़ी दौर पुराना चल रहा था, लेकिन बाद में जब ये लोग मालदार होने लगे और पैसा आने लगा तो फिर शादियों में गाड़ियाँ मंगा के उसमें बुकिंग करके लेके जाने का रिवाज पैदा हो गया। अब वो आस्ते आस्ते पनप रहा है, बजाय कम होने के ज़्यादा हो रहा है। इसमें मख्तलफ नस्ल के हैं, ओबलक के मशहूर घोड़े जो हैं, ओबलक करके मशहूर है, और तो चंदिया है, कोई कैसे मख्तलफ नाम रखे हुए होते हैं, मख्तलफ नस्लें होती हैं, लेकिन घोड़ा जो है ये वो अपनी पहचान आप है, खुद ही है। अगर वो मिक्सचर है, उसमें 19-20 है, दूसरी नस्ल लगी हुई है, तो भी वो अपना आप ज़ाहर हो, उसको वो सामने नज़र आ जाता है कि ये जो है नस्ल, इसमें नस्ल में मिक्सचर है। अभी जो है वो तकरीबन देखा जाए तो नहीं, ना होने के बराबर है। पहले जो है वो बहुत ख्याल रखते थे और अपने बच्चों की तरह, जैसे अपने बच्चों को पाला जाता है ऐसे जानवरों को पाला जाता था। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें थोड़ी सहूलत फराहम करे, किसी किस्म की इसको रुकावट ना पैदा होने दे, ताकि ये सनत पनप सके। आने वाले दिनों में हर किसी को पता है, छोटे बड़े को पता है कि फ्यूल का मामला जो है एकदम ठप हो सकता है, गंदम का मामला एकदम ठप हो सकता है। बड़े बड़े मसाइल और बड़े मराइल आ रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। सफ़ेद घोड़ा जो है वो अपनी एक तस्वीर बन जाता है एक किस्म का ना, और मख्तलफ कलर जो है वो आप इतना जचते नहीं है जितने, क्योंकि ज़्यादातर हैं ही सफ़ेद घोड़े, खुसूसन शादी की गाड़ियों में सफ़ेद घोड़े ही ज़्यादा यूज़ कर किए जाते हैं। जो बग्गी बनती है उसकी लकड़ जो है वो मुख्तलफ होती है, आम लकड़ी से ये नहीं बनती है, बहुत मजबूत लकड़ी से बनती हैं, फैन की लकड़ी हो गई या उससे बढ़ के हो गई। व्हील में भी ये ऐसी चेंजेस आएंगी कि मुख्तलफ किस्म के वो बनने लगेंगे घोड़ा गाड़ियों के। अब जूँ जूँ तरक्की होती जाएगी, ये सनत बढ़ेगी, तो हर कोई यही चाहेगा कि मेरी गाड़ी अच्छी हो, मेरी गाड़ी में ये लगा हुआ हो, वो लगा हुआ हो। जो दूर लेके जा रहा है उस ये है कि वो दाने का पैसा दे, मजदूरी दे, गाड़ी की मजदूरी दे, वो खुशी जो है जहाँ वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं, वहाँ 2-4-5 हज़ार अगर घोड़ा गाड़ी खा जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो गरीब के बच्चे खाएंगे, घोड़ा खाएगा, वो दुआ होगी। मेटाटेनमेंट की वीडियोज देखने के लिए मेटाटेनमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि आप आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।